हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम क्रिकर। इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। एंड फोर्थ है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ है, विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा टू का ऑप्शन बी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरों के साथ झगड़ना। सेकंड है, अभिव्यक्ति में नवीनता। थर्ड, जिज्ञासा। एंड फोर्थ, सृजनात्मक विचार। करेक्ट आंसर होगा थ्री का ऑप्शन वन, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सेकंड है, विशेष विद्यालयों में। थर्ड है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। एंड फोर्थ है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। करेक्ट आंसर होगा फोर का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्लेक्सिया संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है, मानसिक विकार से। सेकंड, गणितीय विकार से। थर्ड, पठन विकार से। एंड फोर्थ, व्यावहारिक विकार से। करेक्ट आंसर होगा फाइव का ऑप्शन सी, डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सेकंड, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। थर्ड, विशेष विद्यालयों में। एंड फोर्थ, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर होगा सिक्स का ऑप्शन वन, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। सेकंड है, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। थर्ड है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एंड फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सेवन का ऑप्शन सी, यदि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है, श्यामपट का प्रयोग करना। सेकंड, चर्चा करना। थर्ड, कहानी पूछना। एंड फोर्थ, प्रश्न पूछना। एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। सेकंड, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। एंड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा हमारा नाइन का ऑप्शन सी, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। क्वेश्चन नंबर टेन, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, ऐसे में आप। फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। सेकंड, प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बिठाने को बोलेंगे। थर्ड, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। एंड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, भौतिक संसाधनों को। सेकंड, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। थर्ड, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। एंड फोर्थ, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकों के लिए
संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन नंबर 12, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, सेकंड उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, थर्ड वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे एंड फोर्थ उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। करेक्ट आंसर होगा 12 का ऑप्शन सी। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो ऐसे में आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, सेकंड उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, थर्ड उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर दोगे एंड फोर्थ उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, फर्स्ट ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, सेकंड पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, थर्ड शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर एंड फोर्थ शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है विचारों में सृजनात्मकता, सेकंड दूसरों के साथ लड़ना, थर्ड अभिव्यक्ति में अनूठापन एंड फोर्थ कुतूहल। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, फर्स्ट ऑप्शन है बाल अपराध, सेकंड कमजोरों को डराने वाला, थर्ड भगोड़ापन एंड फोर्थ स्वलीनता। करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन डी, स्वलीनता। क्वेश्चन नंबर 17, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, सेकंड मुख्य धारा में डालकर, थर्ड समाकलन द्वारा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, सेकंड ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, थर्ड ऐसे अभिभावकों के बालक जो कि गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं एंड फोर्थ ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, सेकंड कक्षा शिक्षण में, थर्ड अनुशासन में एंड फोर्थ इनमें से सभी। 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, सेकंड विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, थर्ड प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक एंड फोर्थ इनमें से सभी। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।